जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ भोजपुरी गायक अभिनेता कुंदन सिंह घायल और आज 7 जनवरी 2022 है और अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने बागीचे में हूँ और लगभग रात्रि हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार मवेशी वगैरह थी अपने जगह पर अपने घरों में बांध दी गई हैं, ताला लॉक हो चुका है। और उसके बाद साथ ही बता दूं दोस्तों कि देख सकते हैं कि बगीचा में जिस प्रकार से, तो ऐसे परिस्थिति में भी हमें अपने बागीचे में आना पड़ता है, खेतों में आना पड़ता है और खेत की सिंचाई करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है जानवरों से, तो कभी मवेशियों को देख रेख करना पड़ता है, तो कभी आपको बता दूं कि अपने उत्पादन किए हुए अनाजों का देखभाल करना पड़ता है। और अभी देख सकते हैं कि बागीचे में काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो सोचिए कि क्या शहरों के लोगों को अगर ऐसी परिस्थिति में अगर ला दिया जाए तो क्या वो वहाँ 5 मिनट भी रह सकते हैं। हालांकि अंजुरिया रात है, बोरिंग वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पर बंद हो चुका है, लाइट फ्लैश कैमरा से जल रहा है और बाकी जितने भी हमारे घर के लोग हैं, माँ और भाभी, भतीजा, भैया और जितने भी हमारे गुतिया परिवार के लोग हैं, बड़े पा चाचा भाई लोग, सब लोग घर की ओर चले गए हैं काम वाम करके। और बाकी आप देख सकते हैं कि मैं भी अब घर की ओर जा रहा हूं, तो सोच सकते हैं कि जिस प्रकार किसानों को और या फिर गांव के बच्चों को या गांव के किसान लोगों को जिस प्रकार से शहरों में जाने पर, खासकर बिहार के लोगों को, जब हम बॉम्बे में जाते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं या फिर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, तो लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं, इसका मैं खंडन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग TV पर आए दिन देखते होंगे कि हम बिहारियों के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि इन परिस्थितियों में भी इन अंधेरों में भी हमें अपने खेतों में आना पड़ता है, बागीचे में आना पड़ता है, सिंचाई करने आना पड़ता है, अनाज के लिए, अन्न के लिए, अपने खेतों की रखवाली करने के लिए और अपने अनाज की उपजाने के लिए, चाहे मौसम बरसात का हो, बिजली कड़क रही हो या फिर कड़ाके की ठंड हो, उस परिस्थिति में भी आना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ धीरे धीरे खुला वातावरण है, लाइट वगैरह सब दिखना चालू हो चुका है, तो अब मैं भी घर की ओर जा रहा हूँ चूँकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं ये तालाब है, मछली पालन वगैरह भी हो रहा है गांव में, तो इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतने ख़तरनाक और डेंजरस परिस्थिति में, और शहर के लड़कों को कह दिया जाए कि दिन में अगर दोपहर में आ जाए तो उनकी फट जाएगी, पिछवाड़े से हवा निकल जाएगी। तो इस प्रकार मैं जो ब्लॉग्स बना रहा हूँ, काफ़ी देख सकते हैं कि अंधेरा, काफ़ी तकलीफ से गुजर के मैं बना रहा हूँ ब्लॉग्स। और अभी देख सकते हैं कि वहाँ से मेरा गांव चालू होने वाला है, वहाँ से मेन रोड चालू होगा। दिन में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि वहाँ माँ दुर्गा का मंदिर है और वहाँ से गुजरने के बाद आगे शिव मंदिर है, फिर उसके बाद स्कूल है हमारा, फिर उसके बाद अपना घर है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का जो ब्लॉग्स है, अंधेरों में भी किसानों को जगना पड़ता है और काम करना पड़ता है, खासकर बिहार के लोगों को। जय।